तीन दुकान पूरा जल के राख हो गया, दुकानें टूट फूट किया है। मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया था लाइफ में, फर्स्ट टाइम ऐसा, तो बहुत डर लग रहा था, अभी भी वो डर है। इसी साल अक्टूबर महीने की तस्वीरें। दुर्गा पूजा की अष्टमी के दिन बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की। शुरुआत चिटगांव जिले के कुमिला शहर से हुई थी। बाद में बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को भरोसा और दिलासा दिया, जबकि भारत को आगाह किया। भारत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उसके लिए आभारी हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव हमारे देश में पड़े और हमारे देश के हिंदू संप्रदाय का नुकसान हो। लेकिन तीन तरफ से बांग्लादेश सीमा से घिरे भारतीय राज्य त्रिपुरा में उस हिंसा का असर दिख रहा था। अपनी ही दुकान को जलते देखने का दर्द। जब आगजनी जारी थी तब एक लाचारी भी थी। राख हो गई अमीरुद्दीन की दुकान और सुखचैन भी। हमारे सामने ये पहले तुड़पुर किया था ना, लूटा था, बाद में आग जला दिया वो लोग। हम यह कड़ा था, वो मस्जिद के सामने देख रहा था, हम आ सकता हो तो इसमें जो पुलिस है ना वो हमारा रुक रहा है, नहीं भाई रुक जाओ। तो हम क्या करूँ आपका, तो हमारा तो 15-17 लाख करीब नुकसान हो गया। इलाके में इसी दिन एक विशाल रैली निकली थी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा के खिलाफ थी। करीब 10,000 लोगों की इस रैली में विश्व हिंदू परिषद के अलावा कुछ हिंदू संगठन और स्थानीय समूह शामिल थे। शांतिपूर्ण रैली का पूरा प्लान था। जो बांग्लादेश के वायलेंस के अगेंस्ट रैली थी वो फिर इंडियन मुस्लिम्स पे कैसे डायरेक्टेड हो गई? इंडियन मुस्लिम का अगेंस्ट तो कोई नहीं है, इंडियन मुस्लिम तो हमारा आदमी है, हम जैसा है, हमारा जितना राइट वो भी है। चामटला तक तो माहौल पूरा शांत था, तो हम लोग भी थे, जा रहे थे, थोड़ा अचानक उधर में थोड़ा हलचल सुनाई दिया, क्या हो गया हलचल, तो दौड़ के मार गए, तो सोचा कि उस पार से कुछ स्टोन पलटिंग हुआ, किसने पत्थर मारा, तो पत्थर मारा मतलब मारा बोल बोल के भीड़ थोड़ा बेकाबू हो गया। तो पास में एक मस्क था, हम जैसे तैसे प्रशासन मिलके इस मस्क को हम लोग ने बचा लिया। जिस मस्जिद को बचाने का दावा है उस पर एक भीड़ अपनी छाप छोड़ चुकी थी। हमले के दौरान और बाद का फर्क आज भी दिखता है। बगल का सरकारी मदरसा अब खुल तो गया है लेकिन बच्चे आधे भी नहीं आ रहे। इस घटना के कुछ दिन पहले एक दूसरी टीन की छत वाली मस्जिद पर भी कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। त्रिपुरा राज्य ने कभी भी मेजॉरिटी हिंदूज और माइनॉरिटी मुस्लिम्स के बीच में सांप्रदायिक तनाव और इस तरह की आगजनी की घटनाएं नहीं देखी थीं। लेकिन जो लोग यहां सदियों से साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं उनके अंदर एक शौक है, अब एक डिसबिलीफ है कि जो कुछ हुआ सड़कों पर, जिस तरह से मॉब वायलेंस देखने को मिली, वो भी इसी राज्य में हुआ था हाल फिलहाल में। साल 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी ने सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट सरकार को हराया था। लेफ्ट राज्य पर 25 सालों तक सत्ता में रही थी। जो बीजेपी की गवर्नमेंट त्रिपुरा में है जब से वो आई है तब से, क्या उसके बाद से यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर एंग्जाइटीज और बढ़ी हैं? क्या उनको डर है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद अभी मुस्लिम का रियलाइजेशन हुआ? बीजेपी नथिंग हार्मिंग टू देम, नथिंग। हम बोल रहे मोदी को खिलाफ में जो जो है, बीजेपी को खिलाफ में जो जो है,
दे आर ट्राइंग आटमोस्ट जैसे डिफेम करने के लिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, पीपल ऑफ देव जी को, इसीलिए तो ये कमनवेल फ्रिक्शन चालू कर गया। जो दो विमेन जर्नलिस्ट के खिलाफ केस हुआ, उन लोगों का ये कहना है कि जर्नलिज्म क्राइम कब से हो गया? जर्नलिज्म क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि अगर जर्नलिस्ट है वो अपनी ड्यूटी कर रही है, लड़कियां पिक्चर्स ले रही हैं, लोगों के टेस्टिमनीज ले रही हैं, ऑफ कोर्स, तो अगर उनको मतलब बिना शो कॉज दिए, बिना किसी चार्ज के उनको डिटेन कर ले फिर छोड़ देना, तो यह पुराने वीडियोस के लिए उनको करना क्या, इज इट डेमोक्रेसी? ना ना ना, डेमोक्रेसी का फुल फ्रेगनेंस जर्नलिस्ट ले रहा है, फुल फ्रेगनेंस, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म ये फेक जो वीडियोस सेंड करना, इज इट डेमोक्रेसी? आप बताइए, कुछ कुछ इंडियन ऐसे लुटियंस है, कुछ कुछ राइटर है, कुछ कुछ न्यूज़पेपर है, दे आर ऑलवेज स्प्रेडिंग, ऑलवेज स्प्रेडिंग। मगर जमीनी स्तर पर जो दिखता है वो दावों से बहुत अलग है। जिनका नुकसान हुआ उनके भी मन में सवाल है कि आखिर 83% हिंदू आबादी वाले त्रिपुरा में एकाएक उभरा आपसी तनाव गुस्से में क्यों बदल रहा है? जिस टाइम में वो इधर नहीं जा रहे है, जाने नहीं पा रहा है, तो बाद में गुस्सा होके ये हमारा पहले ये दुकान में आग लगाया था, पहले लूटपाट किया था, वो लगाया था, फिर आके ये इसमें आग लगाया और ये आग इधर ही आया था। ये मेरा पूरा है। किस, ये क्या चीजें थी, किस चीज़ की? ये जूता है, कपड़ा है, बैग है और अम्ब्रेला भी है। पानी सागर घटना के कुछ घंटों बाद ही पास के मुस्लिम बहुल कदमतला इलाके में भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला। उस गुस्से में जिन चंद हिंदू परिवारों का नुकसान हुआ उसमें एक सोनाली का है। मैं स्टडी कर रही थी उस दिन और अचानक कुछ लोग इधर से आए और वो अचानक अटैक स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत डर गई थी, मैं सोच रही थी क्या हुआ, अचानक इतना साउंड आ रहा है, हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, इतना शोर हो रहा था बाहर से और बॉटल्स थ्रो कर रहे थे, तो मम्मी ने कैसे भी करके ये डोर क्लोज किया, ये डोर, हाँ ये क्लोज किया। 5 मिनट्स के अराउंड वो लोग थे, 10 बजे के 10 PM को वो आए थे और 5 to 10 minutes के लिए वो थे और अचानक सब शांत हो गया। फिर हम बाहर निकले तो हम इधर कदम भी नहीं रख पा रहे थे, इतना ग्लासेस के पीसेस थे। बहुत फियर आया था क्योंकि मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया था लाइफ में, फर्स्ट टाइम ऐसा, तो बहुत डर लग रहा था, अभी भी वो डर है। त्रिपुरा के 3 जिलों में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बाद प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि लगभग हर मामले में कार्रवाई ढीली थी और संदिग्धों की गिरफ्तारी में देरी हुई। पानी सागर मिसिल का बाद है, बाद में आमादेर कुदमतला में और कोइलाश्वर में, उनकोटी जिला कोइलाश्वर में, धर्मनगर, जुबराजनगर में और प्रतिबाद मुस्लिम संख्यालघु अंशर तरफ से प्रतिबाद हो गया, उनका बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ। त्रिपुरा उत्तर के पुलिस अधीक्षक भानुप्रदा चक्रवर्ती ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीबीसी से कहा, ये सच है कि धर्मनगर रैली में 10,000 लोग शामिल थे, लेकिन मस्जिद जलाई गई या नहीं ये अभी जांच का विषय है और मामला अदालत में है। जो कुछ हुआ वो त्रिपुरा में पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अफसोस है आपको क्या उस बात को लेकर? बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है, हम निश्चित करेंगे अगले 100 साल में भी ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन हकीकत यही है कि इन घटनाओं ने त्रिपुरा के दिल को दहला दिया है, उन्हें भी जिन्होंने इस हिंसा को करीब से देखा। देवशीष कुमार के साथ नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी त्रिपुरा।